ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं माँ भगवती का एक ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूँ जिससे कि आपके भंडार भर जाएंगे। ये मंत्र अपने भीतर इतनी शक्ति समाहित करके बैठा है कि आपकी बंद दुकानें खोल देगा। बहुत सी क्वेरीज ऐसी आती हैं जिनमें कि लोग कहते हैं कि हमारे जो बिजनेस हैं उनमें हमें घाटा होना शुरू हो गया है, और इसी वजह से गुरुजी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि हमारा जो धंधा है वो फिर से प्रगति की ओर बढ़ जाए। तो बहुत से कारण होते हैं और बहुत सी ऐसी विधियां होती हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। यदि आप बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र चाहते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो बिजनेस है वो आसमान को छू ले, तो आपको इस मंत्र का अत्यधिक जाप करना है। वीडियो को अंत तक देखिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और इसको कैसे प्रयोग में लाना है। जब भी कोई मंत्र आपको दिया जाता है तो उसको डिवोशन के साथ सुनिए, उसे भक्तिभाव से ग्रहण कीजिए और अपना विश्वास जो है, अपना आत्मबल जो है वो इतना अडिग कर दीजिए कि मंत्र स्वतः ही आपको फल देने पर विवश हो जाए। क्योंकि जो लोग किसी भी तरह का तर्क रखते हैं उनके लिए मंत्र काम नहीं करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन शक्तियों को देखिए कि वो कैसे आपका काम बनाती हैं, और फिर ये जो मंत्र है ये आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। अत्यधिक प्राचीन, अत्यधिक गोपनीय मंत्र जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई ना दे, लेकिन ये मेरी डायरी में आज मुझे मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को बहुत ही मुश्किल से सजोया गया है। यूँ समझ लीजिए कि बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, 2-3 साल लगे हैं इसको जुटाने में, और उसके बाद ये मंत्र मुझे मिला है। और ये मंत्र संपूर्ण है। कई बार ऐसा भी होता है कि अधूरा मंत्र होता है तो वो काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपको संपूर्ण मंत्र मिलेगा। इस मंत्र को ओम महालक्ष्मी मंत्र भी कहते हैं, जो कि अचूक काम करता है। एक बार यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो समझिए आपके यहाँ पर माता जो है स्थिर रूप में आ जाएंगी, कभी आपके यहाँ से जाएंगी नहीं। तो इसमें प्रिकॉशंस यही हैं कि ये जो जितने मंत्र मैं अभी दे रहा हूँ ये वैष्णव के मंत्र हैं। तो वैष्णव के मंत्र में क्या होता है कि हमें कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं। मीट, मछली, अंडा, किसी भी तरह का मादक पदार्थ जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट हुआ, इन सब से परहेज करें, और इसके बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं। भूल कर भी किसी भी तरह का मादक पदार्थ प्रयोग में ना लाएं। कई लोग कहते हैं कि हम तो अंडे खाते हैं तो वो तो वेजिटेरियन ही होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना करें, बिल्कुल सात्विक हो जाएं। यहाँ तक कि इन मंत्रों में लहसुन प्याज भी वर्जित है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी साधक चाहते हैं कि वो शक्तियों को प्राप्त करें, वो अलौकिक शक्तियों को देख पाएँ, समझ पाएँ कि धरती पर, धरा पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो विचरण करती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपकी आँखों से परे हैं, मतलब कि आपकी आँखों की भी एक लिमिट है, वो वहाँ तक देख सकती हैं। उससे परे भी एक दुनिया है, एक अलौकिक दुनिया है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और उनसे संपर्क साधने के लिए मंत्र होते हैं। तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपके भंडार भर जाते हैं। इस मंत्र को शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें। शुक्रवार के दिन आपको इस मंत्र को 108 की संख्या में त्रिकाल संध्या जपना है। यदि त्रिकाल संध्या संभव ना हो तो सुबह शाम कर लीजिए, जब भी आप दिया जलाएं मातेश्वरी के सामने, तब इसको 108 की संख्या में जप लिया। जब सुबह कोई दुकान खोलें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो मातेश्वरी का एक छोटा सा मंदिर बनाएं, मूर्ति, फोटो किसी के भी आगे आप एक दिया लगाएं माटी का, या फिर कुछ भी ऐसा दिया हो जिसमें कि अग्नि हो, अग्नि आप प्रज्वलित कर सकें, वहाँ पर एक दिया लगाएं और इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करें। मंत्र बहुत ही पावरफुल है और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीज मंत्रों का जो है वो संग्रह है, एक के बाद एक महालक्ष्मी के बीज मंत्र हैं जो कि आपकी कामना को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करते हैं।
तो समय ना गवाते हुए चलिए आपको मंत्र बताते हैं और इस मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही प्रयोग में लाएं। तो मंत्र है जी, मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बीज मंत्र जो हैं यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं, जो कि लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हैं, आपके जीवन में वो जो धन धान्य है उसका भंडार भरने के लिए हैं। मंत्र को कंठस्थ करें और उसके बाद में जो है इसका गुम्फन शुरू करें। मंत्र एक बार फिर से, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आपको 108 की संख्या में जब सुबह हो प्रातःकाल और जब दिन ढलने वाला हो लेकिन ढला ना हो उस समय पर आपको इनका जाप करना है। तो इस मंत्र का यदि आप गुम्फन करते हैं, इसको कंठस्थ कर लेते हैं, तो कभी भी फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, आपके जो काम है वो बनते चले जाएंगे और देखते ही देखते कहीं ना कहीं से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिससे कि पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसों की दिक्कत हो, बिजनेस ना चल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यापार जो कि ठप पड़ा हो वो इस मंत्र से खुल सकता है। इस मंत्र को जब भी आप प्रारंभ करें उससे पहले सात्विक हो जाएं। बीड़ी गुटखा सिगरेट मांस मदिरा और मछली अंडा मीट ये सब जो है इसमें वर्जित है। किसी भी तरह का मादक पदार्थ प्रयोग में ना लाएं, ना मछली ना अंडा ना ही कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनमें कि जो है किसी पशु का कुछ लिया होता है, किसी जानवर का कुछ होता है, तो ऐसी दवाइयों का भी प्रयोग ना करें। और इसके बाद इस मंत्र का आपको गुम्फन करना है और सबसे पहले तो आपको कंठस्थ करना होगा ये मंत्र। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद आपको जब इसका भली प्रकार से आप इसका जाप कर पाएँ आँख मूंद कर बिना देखे, तब इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। आपका दिन रहेगा शुक्रवार, शुक्रवार के दिन आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन से शुरू कीजिएगा और जो आपकी दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की। पूर्व की तरफ मुख करके बैठें, नीचे कोई भी लाल रंग का आसन बिछाएं, अपना सिर जो है लाल कपड़े से ढकें और उसके बाद आप इसकी जो है गुम्फन शुरू करें, चैंटिंग शुरू करें और माँ भगवती का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। तो इस मंत्र से नाना प्रकार के विकार भी दूर होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म जन्मांतर से ही बिल्कुल ही मतलब पैसा उनके पास टिकता ही नहीं है, तो वो भी इस मंत्र से तर सकते हैं। इस मंत्र से जो भगवती हैं वो स्थिर रूप में वास करती हैं। जहाँ पर भी इस मंत्र का गुम्फन होगा वहाँ पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं जो कि साधक को भिन्न भिन्न प्रकार के इच्छित वर देती हैं। यदि आपकी मंशा है कि आपके पास पैसा आए और सुख शांति रहे, तो ये जो मंत्र है ये अचूक है, एक बार में ही आपके काम बना देगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु जी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जो है मानसिक शांति चाहिए। तो लक्ष्मी का एक रूप शांति भी होता है और लक्ष्मी का एक रूप निद्रा भी होता है। बहुत से मतलब जो जो चीज़ें हैं आप एक बार मातेश्वरी के नाम पढ़ के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि निद्रा हो गई, सुख हो गया, मेंटल पीस हो गया, ये सब भी लक्ष्मी के ही रूप हैं, लक्ष्मी के ही नाम हैं। तो जब आप इस मंत्र को करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक प्रफुल्लित जैसे एक आत्मा होती है, बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल ही मतलब अंदर ही अंदर आपको खुशी होगी। इस तरह से ये मंत्र काम करता है और
जब आप भीतर से प्रफुल्लित होंगे तो बाहर का जो ये संसार है ये भी आपके सुर से सुर मिलाना शुरू कर देगा। तो यदि किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आ रही हो मंत्र समझने में, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं पर त्रुटि हुई हो, या फिर आप मंत्र चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 999-284-1625। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कहीं पर कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर समझा सकते हैं। धन्यवाद।